हेलो एवरीवन, नेहा लव्स कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई नई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, बल्कि आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इतने कम समय में मुझे जो इतना मोटिवेट किया है, मेरी मेहनत को सपोर्ट किया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मे बी कई लोगों के लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी, बट मेरे लिए ये 3 मंथ की जर्नी और आप सभी का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, और मैं फ्यूचर में भी आपसे इसी तरह के सपोर्ट की आशा करती हूँ। प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए नई और आसान रेसिपी लेकर आ सकूँ। मैंने अपने चैनल पे 60 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं, 60 से ज़्यादा रेसिपी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने बहुत ही डिफरेंट तरह की रेसिपी शेयर की हैं, जैसे कि इंडियन स्वीट्स की रेसिपीज़ हो गई, बेकिंग रेसिपीज़ हो गई, और वहाँ पे मैंने इंडियन ब्रेड्स जैसे कि नान और पराठा, पनीर की काफ़ी डिशेज़ मैंने डाली हैं, इवनिंग स्नैक्स की डिशेज़ डाली हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फर्स्ट की रेसिपीज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पे जाके डिफरेंट रेसिपीज़ देख सकते हैं। कई तरह की रेसिपीज़ जैसे कि दही की अरबी, खट्टा मीठा कद्दू, बहुत ही अलग तरह की रेसिपी है, आप उसको भी वहाँ जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आ सकूं। मैंने अपने चैनल पे कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय के काढ़े की रेसिपी शेयर की है, बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप इसको दूध और पानी दोनों के साथ बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एगलेस डोनट्स बनाए हैं बिना ओवन के, सिर्फ कढ़ाई में। बच्चों के फेवरेट डोनट्स आप बिना ईस्ट के बहुत ही कम समय में घर में तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैंने गार्लिक नान और बटर नान की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की है, बहुत ही इजी, आप तवे पे इसको बना सकते हैं, इसके लिए हमें कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने मग केक बनाए हैं 2 फ्लेवर में, चॉकलेट और वनीला, और माइक्रोवेव में बहुत ही कम समय में, सिर्फ 2 मिनट में आप बहुत टेस्टी मग केक बना के तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने वेज सीख कबाब बनाया है, ये एज अ स्टार्टर इवनिंग स्नैक्स आप कैसे भी बना सकते हैं। इसको मैंने तवे पे बनाया है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। यहाँ पे मैंने खट्टा मीठा कद्दू बनाया है बिना लहसुन प्याज के, आप व्रत में यूज कर सकते हैं, हलवाई जैसा कद्दू, बहुत ही कम समय में और कम इन्ग्रीडियंट में आप बना सकते हैं। मैंने बहुत ही टेस्टी यमी कोकोनट कैशू कुकीज बनाई है, जिसको मैंने कढ़ाई और ओवन दोनों में बनाना बताया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने गेहूं के आटे से होल व्हीट चोको चिप्स कुकीज़ बनाई हैं, इसको भी मैंने कढ़ाई और ओवन दोनों में बनाना बताया है, बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने एक यूनिक रेसिपी दही की अरबी बनाई है, जिसको मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया है, आप व्रत में यूज़ कर सकते हैं, पूड़ी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ चाय के पेपर कप जो आते हैं उसमें मैंने चॉकलेट कपकेक्स बनाए हैं, जिसको मैंने कढ़ाई और ओवन दोनों में बनाया है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। साथ में मैंने दाल मखनी बनाई है, बहुत ही टेस्टी दाल मखनी, आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। पनीर की भी मैंने कई डिशेस शेयर की हैं, जैसे शाही पनीर, बटर पनीर, कढ़ाई पनीर, उसको भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सारी रेसिपीज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और यदि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, नेहा लव्स कुकिंग में आप सभी का स्वागत। मे बी कई लोगों के लिए ये बहुत इतने कम समय में आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं